Good morning, students. How are you all doing today? So children, we are on chapter number 8, Animals Everywhere. And in our previous video, we have learned few topics like breathing in animals and its habitat. So a quick revision of our previous learning. Habitat वो जगह है जहाँ पर animal रहता है, खाता है, grow करता है और उसके babies भी उसी place पर होते हैं. वो जो जगह है, वो जो सराउंडिंग है उसके होम की, दैट प्लेस इज़ नोन एज हैबिटेट. ब्रीदिंग इन एनिमल्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते ऐसे एज सच, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है. उनमें ब्रीदिंग उनकी पूरी बॉडी सरफेस से कहीं से भी हो सकती है. अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो उनमें ब्रीदिंग स्पैरिकल्स से होती, जो कि छोटे छोटे होल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर. फिर फिशेस की बात करें तो उनमें ब्रीदिंग गिल्स से होती है. एम्फीबियंस में बात करें तो जो फ्रॉग है, जब वो टैडपोल स्टेट में होता है तब उस समय उसमें ब्रीदिंग गिल्स के थ्रू होती है, और जब वो लैंड पर आ जाता है, जब वो एडल्ट हो जाता है, तब उसमें ब्रीदिंग लंग्स के थ्रू होती है. ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम में ब्रीदिंग जो है वो लंग्स की मदद से होती है. तो ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था. अब हम आज नया टॉपिक समझेंगे, वो है फीडिंग हैबिट्स इन एनिमल्स. एनिमल्स को फूड की रिक्वायरमेंट रहती है ग्रो करने के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए और हेल्दी स्टे रहने के लिए. डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड यूज़ करते हैं. इनकी जो फीडिंग हैबिट्स है वो डिपेंड करती है किस टाइप का फूड वो ईट करते हैं, और इसी वजह से उनका जो माउथ पार्ट है वो भी सूटेड होता है कि किस तरीके का फूड वो ईट कर रहे हैं. तो जिस तरीके का फूड वो कंज्यूम करेंगे वैसा ही उनका माउथ पार्ट डेवलप होगा. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द ऑर्गन्स ऑफ फीडिंग. तो आपने अपनी प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझा हुआ है कि जो बर्ड्स हैं उनकी जो बीक्स होती है और उनके जो क्लॉज होते हैं, मीन्स उनकी चोंच और उनके जो पंजे होते हैं, वो किस तरीके से मॉडिफाई होते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके का फूड वो कंज्यूम करती हैं. अगर कोई इंसेक्ट ईटिंग बर्ड है तो उसकी बीक अलग टाइप की होगी, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स की बीक अलग टाइप की होगी. नाउ द रोडेंट्स. रोडेंट्स जैसे कि रैबिट्स है, माइस है, स्क्वायरल्स हैं, इनके क्या होता है, छोटी और शार्प फ्रंट टीथ होते हैं. दे ग्नो सीड्स एंड फ्रूट्स, वो कुतरते हैं बीजों को और फलों को. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स आर हर्बीवोर्स, जो कि गाय, बकरी, जिराफ, एलिफेंट, दे ऑल आर हर्बीवोर्स. इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बाइटिंग के लिए होते हैं, तो वो शार्प होते हैं, और इनके स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड चौड़े टीथ होते हैं च्यूइंग करने के लिए. ये क्या खाते हैं, ये ईट करते हैं ग्रीन प्लांट्स को. द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स आर कार्निवोर्स. कार्निवोर्स में फीडिंग हैबिट्स कैसी होती हैं, जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं जैसे कि लॉयन, टाइगर, कैट, ये क्या करते हैं, ये दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. तो इसलिए इनमें जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, तीखे होते हैं और कर्व्ड होते हैं, ताकि वो फ्लैश को अच्छे से टियर कर सकें. कार्निवोर्स में स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ भी होते हैं, ताकि ये फ्लैश को और बोन्स को अच्छे से क्रश कर सकें. कुछ जो बर्ड्स होती हैं जो कि दूसरे बर्ड्स का फ्लैश खाती हैं, या फिर जो डेड एनिमल्स होते हैं उनका फ्लैश खाती हैं, तो इस तरीके की जो बर्ड्स होती हैं जैसे कि ईगल्स हैं, काइट्स हैं, वल्चर्स हैं, इनमें अगर हम बात करें इनकी बीक की, तो वो किस तरीके की होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है और हुक्ड होती है, मीन्स उसमें छोटा सा कर्व होता है, बैंड होता है, और इनके क्लॉज जो होते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि क्या है, ये अपने प्रे को, अपने शिकार को अच्छे से कैच कर सके और उसके फ्लैश को अच्छे से टियर कर सके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीडिंग हैबिट्स इन एनिमल्स. नाउ चिल्ड्रन कम्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो यू नीड टू स्टे होम एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, ईट हेल्दी फूड, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, डू सम एक्सरसाइज. सो चिल्ड्रन एन्जॉय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.